हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जैकेट ट्यूटोरियल। ये इंडियन जैकेट है जिससे आप कोई भी अपनी इंडियन वेयर के साथ या वेस्टर्न वेयर के साथ बहुत ही इजी तरीके से कैरी कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत सिंपल है, इजी है फ्रेंड्स। इसको बनाने के लिए हार्डली आपको 30 मिनट्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड ये जैकेट रेडी हो जाएगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने कपड़े को 4 भाग में फोल्ड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ। तो लेंथ में यहाँ पे ले रही हूँ 17 इंच की जैकेट, जो तैयार होकर 16 इंच की बन जाएगी। उसके बाद जितना भी आपका शोल्डर है उसका आप वहाँ पर 9 इंच मेरा है तो मैं 9 इंच मार्क कर लूंगी। फिर वहां से मैं नीचे की तरफ आर्मोल्स ले लूंगी। मेरे केस में 8 है आर्मोल्स, तो मैं 8 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। फिर जहां आर्मोल्स खत्म हो रहा है वहां चेस्ट के भाग के लिए 1/4, जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 आपको लेना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जितना आपका शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करके वहां पर आप मार्क कर लीजिए। इस तरीके से आप वहां पर अपना चेस्ट का भाग मार्क कर लेंगे और उस वहां पर एक बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स के अंदर कर्व शेप दे देंगे। फिर कमर के लिए ऊपर से 14 इंच पर मार्क कर लीजिए और चेस्ट से 1 इंच कम कमर का भाग ले लीजिए। वहां पर इस तरीके से कर्व शेप में ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर नेक के लिए मैं 3 इंच का ब्रॉडनेस का नेक बना रही हूँ और 4 इंच का मैं यहाँ पे शोल्डर क्रिएट करूंगी। उसके बाद शोल्डर का जो लेंथ मैं रखूंगी वो है 1/2 इंच नीचे की तरफ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी सारी मार्किंग्स को मार्क करने के बाद अब देख सकते हैं शोल्डर मैंने थोड़ा सा तिरछा रखा है ताकि जो फिनिशिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी आए। अब इन सभी मार्किंग एरियाज को हमें सीजर के हेल्प से कट कर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपल मेथड से और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाते। तो आप देख सकते हैं हमें बन चुकी है और अब यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 भाग, फ्रंट और बैक दोनों का। तो अभी हमें क्या करना होगा, बैक का जो हमारा पोर्शन है उसे हम हटा देंगे एंड अपना जो फ्रंट का पोर्शन है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो बैक के पोर्शन को मैं यहाँ पर हटा दूंगी और फ्रंट के पोर्शन को लेने के बाद उस हिस्से को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आर्मोल जो फ्रंट का होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ गहरा होता है, तो वहां पर हम हल्का सा 1 इंच अंदर से मार्क करके कट कर लेंगे। 1/2 इंच के करीब मार्क करना है और जो मिडिल में हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद कट जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जैकेट है तो हमें फ्रंट से ओपन रखना होगा, इसलिए हम फ्रंट के पार्ट को कट कर देंगे। अब हमें क्या करना होगा, शोल्डर के श्रेणी से पहले हम फ्रंट में जो कट किए हैं उसे हम सबसे पहले हम शोल्डर को रॉन्ग साइड रखेंगे ऊपर कपड़ा, बैक के भी भाग को, और शोल्डर का जो पोर्शन है उसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर का जो पोर्शन है वो स्टिच कर लिया है। शोल्डर का पोर्शन स्टिच करने के बाद अभी जो फ्रंट में हमने कट किया है उस पोर्शन को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से 1/2 इंच फिर 1 इंच अंदर फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे और काफी ब्यूटीफुल सा बीच में गैप आ जाएगा जो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। इस तरीके से हमें फ्रंट के पोर्शन को यहाँ पर सी देना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट के पोर्शन को भी सी स्टिच कर लिया है एंड फ्रंट के पोर्शन स्टिच करने के बाद अभी हमें यहाँ पर अपनी कॉलर लगानी है। तो कॉलर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच की पट्टी कट किया था, जिसे फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरीके से अच्छे से आयरन कर लिया है और जो दोनों एंड है उसे 1/2 इंच अंदर पट्टी डाल के फोल्ड करते हुए मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया। उसके बाद इस तरीके से कॉलर को नीचे रखते हुए हम नेक के एरिया पर अपनी कॉलर को अटैच कर लेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से कॉलर यहाँ अटैच हो गई है। अब ये सब करने के बाद अभी हमें अपनी स्लीव्स बनानी होगी। तो स्लीव्स बनाने के लिए मैंने सेम फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। तो सेम फैब्रिक का हम यहाँ पे स्लीव्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस कपड़े को वापस से 4 भाग में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे हमारा आर्मोल्स कितना है। तो जितना भी आपका आर्मोल्स है उसे 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए और वहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उस पॉइंट से नीचे की तरफ 3 इंच का एक पॉइंट मार्क कर लीजिए और वहां पर कुछ इस तरीके से शेप देते हुए अपने पॉइंट को जॉइन कर लीजिए। फिर जितना भी नीचे आपको स्लीव्स लंबी रखनी है उसमें एक पॉइंट मार्क कर लीजिए और वहां से जितनी आपको गुलाई रखनी है अपनी आस्तीन की, उस गुलाई पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ऊपर से इस तरीके से स्लांट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इन सभी एरियाज को कट कर लीजिए। सो
सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है। स्लीव्स को कट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी दोनों ही स्लीव्स रिसीव हो जाएगी और ऊपर का जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पर हल्का सा एक नॉच कट कर लीजिए ताकि आपको मिडिल का पोर्शन का पता हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर है मेरी ये दोनों ही स्लीव्स हमें रिसीव हो चुकी है। अभी अपनी स्लीव्स को हमें अपनी जैकेट में लगाना होगा। तो स्लीव्स को जैकेट में लगाने के लिए हम अपनी जैकेट को लेंगे और जैकेट को रखेंगे राइट साइड और स्लीव्स को रखेंगे हम रॉन्ग साइड। और अपनी स्लीव्स को रॉन्ग साइड इस तरीके से रखते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट पोर्शन है यहाँ पर हम F लिख देंगे क्योंकि हमें जिस तरीके से हमने टॉप में कट किया था आधा इंच अंदर उसी तरीके से हम स्लीव्स में को भी अंदर की तरफ आधा इंच कट करना है। तो नॉर्मली नहीं समझ में आता कि कौन से पार्ट को करना है, तो हम जो फ्रंट का पोर्शन है उसे हम इस तरीके से रखेंगे, दोनों जहाँ पर F लिखा है हमने वहाँ पर दोनों को एक साथ रखेंगे इस तरीके से, और उस जहाँ पर हमने F यानी फ्रंट लिखा है वहाँ पर हल्का सा अंदर की तरफ कट कर देंगे जिससे हमें पता हो कि ये जो स्लीव्स है वो हमें फ्रंट की तरफ लगानी है। तो अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है फ्रंट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्लीव्स भी अटैच हो चुकी है। अब स्लीव्स अटैच होने के बाद अभी हमें साइज अटैच करनी होगी। तो साइज अटैच करने के लिए हम स्लीव्स जैकेट को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे। रॉन्ग साइड टर्न करने के बाद साइड की फिटिंग दे देंगे। इस तरीके से साइड के फिटिंग दे देंगे। अपनी फिटिंग के हिसाब से आप फिटिंग दे दीजिए। स्लीव्स पे हमने ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न कट पैटर्न दिया है जिससे काफी ज्यादा स्मार्ट लुक आएगी और भी ज्यादा स्लीव्स में। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैकेट पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। बहुत ही कम मटेरियल में इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.25 मीटर का फैब्रिक लगेगा और ये स्लीव्स बनेगी, ये जैकेट बनके रेडी हो जाएगी। ये चाइनीज़ कॉलर की जैकेट है और आप बिना कॉलर के भी बना सकते हैं। आप किसी भी ड्रेस के साथ इसे कैरी कर सकते हैं, चाहे वो फ्लोरल कुर्ती हो। ये फ्लोरल जैकेट है तो बेसिक कुर्ती के साथ पहन सकते हैं, बेसिक ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मतलब बहुत लॉन्ग है। एक कितना दूध होगा? अस्सी गरम होगा। चेक नहीं, इधर आओ। चेक नहीं, चेक नहीं।